जब भी जिंदगी में आप किसी के द्वारा बहुत ज्यादा दबाए जाएंगे, बहुत ज्यादा कुचले जाएंगे, विपरीत समय होगा, मन करता होगा कि क्या से क्या हम कर दें, उस समय भी आपको अपने गुस्से को दबा के रखना, उसको संभाल के रखना, उसे एक कोने में जिंदा रखना बहुत जरूरी है। महाभारत में जब 12 साल का वनवास पांडवों का हुआ तो सबसे ताकतवर, जिसमें 70 हाथी का बल था, वो भीम बावर्ची बन गया। युधिष्ठर एक राजा का एक ऐसा सहयोगी जो कि उसके साथ पासे खेला करता था। नकुल सहदेव घोड़े के अस्तबल में लग गए और उस समय के महान धनुर्धर अर्जुन एक ऐसा जीवन जो कोई मर्द सपने में भी नहीं सोच सकता, एक ना स्त्री ना मर्द, उस जीवन को उसने जिया। कहीं वो नृत्य कर रहा था, लेकिन उसको पता था कि अगर इस 12 साल में अगर हमारा भेद खुल गया, एक साल का ऐसा ज्ञातवास अगर हमने ऐसे ही काट दिया तो फिर हमें 12 साल का वनवास होगा। जहर के घूंटों को उन्होंने पिया, लेकिन एक साल का वो अज्ञातवास निकालने के बाद उन्होंने दिखाया कि वो क्या योद्धा थे, और दोबारा से फिर से उन्होंने अपने राज्य की पुनर्स्थापना करी। तो अगर आपका बुरा समय है तो जरा धैर्य रखिए, समय आपका भी आएगा।